हेलो एवरीवन गुड इवनिंग नमस्कार राधे राधे वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक और क्लास की जिस तरीके से आप जानते हैं क्लासेस हमारी इंग्लिश की शुरू हो गई हैं ईएमआरएस के लिए और कल हमने जो किया एरर डिटेक्शन किया और आज वापस से हमारा जो टॉपिक है वो है एरर डिटेक्शन तो आज की क्लास में एक और धुआंधार तरीके से एरर डिटेक्शन करने वाले हैं सो फटाफट से क्लास को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़ जाएँ अगर आपने अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी वहां से डाउनलोड करें और इसकी सहायता से डेली क्विज़ कर सकते हैं कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं ये यूट्यूब चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए साइड में बेल आइकन बना होगा वहां पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें तो पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है एरर का टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है सो ट्राई टू गिव द आंसर हेलो प्रियंका हेलो चंदन ब्रिजेश कुमार हेलो एवरी वन टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लिव विद डिसऑनर यानी कि बे, मतलब क्या है इसका यानी कि आपकी बेचती हो इससे बढ़िया है कि तुम सम्मान पूर्वक मर जाओ भाई बेजती भरा जीवन जीने से अच्छा क्या है सम्मान पूर्वक मर जाओ ये कह रहा है सो टू डाइ देन लिव विद ऑनर आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है चंदन कह रहे हैं अल्फाबेट आता है अच्छा फाइन चलिए सो ध्यान देना टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन यहां पे आप देख पा रहे होंगे कंपेरेटिव डिग्री है क्या है है ना तो कंपेरेटिव डिग्री की खासियत क्या होती है कंपेरेटिव डिग्री जो होती है जब इससे हम कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन हमेशा इक्वलिटी में होता है टू एंटाइटीज के बीच होता है यानी कि हमेशा बराबरी में कंपेरिजन होगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे टू डाई विद डिसऑनर और यहाँ पे वर्ब क्या दे दिए वर्ब तो यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जबकि यहाँ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो और हमें कंपेरिजन हमेशा इक्वालिटी में करना होता है तो हमें लाइव के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा टू लिव टू लि डाई विद ऑनर इज बेटर तो दोनों तरफ एक जैसी फॉर्म होगी इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव और अब बिल्कुल ये सही स्ट्रक्चर है तो सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है समझ में आ गया वेल डन चंदन ट्राई वेरी गुड हरीश किप इटअप इट इज आई हुम फॉर दिस बैड सिचुएशन ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है एरर से है ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने का और जिनको रिविजन करना है चैप्टर वाइज प्रोनाउन का तो सुबह नौ बजे भी क्लास हो रही है इट इज आई हुम फॉर दिस बैड सिचुएशन ये मैं जिसने, ये मैं हूं जिस पर गलत uh, क्या लगा है इल्जाम लगा है इस सिचुएशन का तो आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर है ट्राई करिए <laughs> चलिए देखें यहाँ पर हु क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत ये होती है कि इसके आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है एंटीसीडेंट यहाँ पे क्या है आई आई के साथ हम इसका यूज नहीं करते आई के साथ क्या आता है एम तो हैंस वी कैन से कि बी पार्ट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर बी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा एम क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर गौरी टोल्डमी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट गौरी टोल्डमी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट अपने जाने के बाद उसने क्या किया गौरी ने अपना नाम बताया वो चली गई उसके बाद क्या किया नाम बताया तो ऑल्वेज कीप इन माइंड कि जब भी पास्ट के दो कंप्लीट एक्शंस के बारे में बात होती है तो जिनमें से पहला एक्शन जो कंप्लीट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो कंप्लीट एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में बनाते हैं तो उसने क्या किया नाम बाद में बताया तो यहाँ पे क्या यूज़ किया पास्ट इंडेफिनेट और चली पहले ही गई थी तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट के प्लेस पे क्या आना चाहिए पास्ट परफेक्ट आना चाहिए और ट्रिक भी है आप चाहो तो ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो ट्रिक ये है कि आफ्टर के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है इन केस ऑफ पास्ट टेंस पास्ट टेंस में आफ्टर के साथ हमेशा क्या आता है पास्ट परफेक्ट क्लियर वेरी वेल डन जॉन बुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम यदि तुमने उसको पूछा होता तो जॉन तुमको सच बता दिया होता आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है वेरी गुड अभिमन्यू वेल्डन हरीश ब्रिजेश चंदन कुमार वेल्डन राइट अच्छा क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ध्यान रखना ये क्वेश्चन है आपका कंडीशनल सेंटेंस है कैसे हमने पहचाना जब सेंटेंस में इफ़ मिल जाता है तो समझ जाइए कैसा सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है और जब आपको इफ के साथ क्या मिल जाए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ जाओ दूसरे भाग में क्या आएगा दूसरे भाग में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो यहां पे इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है और यहां बुड है थर्ड फॉर्म दिया है इसका मतलब दिया गया वाक्य बिल्कुल सही है इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है नो एरर नेक्स्ट ये इजी है वेरी गुड चंदन वेल डन सो माई सिस्टर हैज रीड पेजिस आफ्टर पेजेस ऑफ द बायल बाइबल आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है ये नाउन चैप्टर से है बन गया सो so, ध्यान रखना एक रूल होता है नाउन का क्या नाउन प्लस प्रिपजिशन प्लस नाउन यहाँ पे नाउन जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है दोनों तरफ और दोनों तरफ एक जैसे नाउन होते हैं तो यहाँ जो पेजेस दिया है इसमें से एस एलिमिनेट करो यहाँ से भी एस हमें क्या करना है एलिमिनेट करना है जब जब प्रपोजिशन से दो नाउन एक जैसे जुड़ते हैं तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं सो सी पार्ट कंटेन्स क्रिमेटिकल एरर आपको एरर पर भी ध्यान देना है कौन सा एरर बनेगा देखो कई बार क्या होता है कि हमें आंसर पता होता है लेकिन ऑप्शन गलत चुन लेते हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें ये ए पार्ट था ये बी था ऐसा नहीं कि इसका पार्ट बी है नहीं इसके लिए ऑप्शन क्या है सी फाइन वेल्डन लॉस्ट नेशन योर सक्सेस यू सक्सेस या ये योर होगा Your success in the IS examinations depends not only on what papers you have selected but on how you written them patafat se kya grammatical error hai योर सक्सेस इन द आई एस एग्जामिनेशन आई एस एग्जाम में तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है इस बात पर निर्भर नहीं करती वेपर यू है तुमने कौन सा पेपर चुना? बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुमने क्या लिखा है ना? तो ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या नॉट ओनली वाला कॉन्सेप्ट तो नॉट ओनली किसको फॉलो करता है नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो को क्या करता है फॉलो करता है तो एक पहले तो हम यही चेक करते हैं उसके बाद अदर रूल चेक करेंगे तो बट के बाद यहाँ आल्सो कहीं भी नहीं दिया तो सी पार्ट में क्या है ग्रामेटिकल एरर बट आल्सो ऑन हाउ यू रिटन देम बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुमने उनको कैसे लिखा तो कौन सा पार्ट हो गया सी पार्ट ग्रामेटिकल एरर गुड इवनिंग धनजीत हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा इस सेंटेंस में बताएं क्या एरर है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये मॉडरेट और ये क्वेश्चन किससे है वो मैं आपको बताती हूं और प्रीवियस ईयर है आगे आंसर चलो चेक करते हैं हैवी रेन भारी बारिश के कारण हैवी रेन प्रिवेंट अस गो टू द सिनेमा भारी बारिश ने हमें बचा लिया सिनेमा जाने से बच गए मतलब हम जा नहीं पाए वहां पर रोक दिया भारी बारिश ने तो हमें ये पता है कि ये जो वर्ड प्रिवेंट है प्रिवेंट अपने आप में डियर एक वर्ब है और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज़ की जाती है फ्रॉम शायद कल भी कराया था हमने प्रिवेंट फ्रॉम प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज़ किया जाता है इन्होंने किसका यूज़ किया है टू का तो इसको यहाँ से क्या करो एलिमिनेट कर दो यहाँ क्या आ गया फ्रॉम अब फ्रॉम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आता है ना कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ गो के प्लेस पे क्या हो जाएगा गोइंग हो जाएगा तो राइट आंसर क्या बनेगा prevented रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा सो वंस अगेन सी पार्ट कंटेन्स ग्रेमेटिकल एरर गॉट द पॉइंट Well done आनंद well done, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती है कोई बात नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इट सेल्फ वुड प्रोस्पर यदि the majority of a, of the individual in a state prosper ध्यान रखना जब मेजॉरिटी वर्ड आता है है ना जब जब मेजॉरिटी वर्ड आता है ध्यान रखना द प्लस मेजॉरिटी आपको दिया हुआ है और इसके बाद ऑफ के बाद यदि नाउन आपको प्लुरल मिल रहा है तो ऐसे केस में वो भी प्लुरल ही आएगी है ना तो द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रस्पर द स्टेट इट सेल्फ गुड प्रॉस्पर यानी कि किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है नो एरर वेरी गुड हरीश वेरी गुड आनंद वेरी गुड चंदन इफ मोटोरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन दे विल बी स्टॉप टिकट एंड है फाइन एरर के हर लेवल आपको दिया जा रहा है इजी से इजी एंड हार्ड से हार्ड फटाफट आंसर करें मोटोरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व यदि मोटोरिस्ट ऑब्जर्व नहीं करता द ट्रैफिक रेगुलेशन ट्रैफिक रेगुलेशन को दे विल बी स्टॉप्ड तो उसको रोक दिया जाएगा टिकटेड एंड हैव टू पे अ फाइन और उसकी पर्ची काट दी जाएगी और फाइन उसको देना पड़ेगा गा पर देना पड़ेगा तो उसको रोक दिया जाएगा यानी कि जो वाहन चालक होता है यदि वो यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको क्या किया जाएगा रोक दिया जाएगा टिकट काट दी जाएगी और फाइन लगा दिया जाएगा तो एक्टिविटी कैसी है पैसिव यहां से पता चला तो आगे भी पैसिव ही रहनी चाहिए हैव टू पे करना क्या है यहां पे गलत है क्या आना चाहिए विल विल बी बी पेड फाइन उसको फाइन देना पड़ेगा ओके सो राइट आंसर इज सी ये इजी है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये इजी लेवल है और प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है उसने कहा मान लो कि वो फेल हो जाता है तो क्या करेगा ध्यान रखना सपोज का मतलब होता है मान लेना और इफ का मतलब भी होता है यदि और लगभग ये दोनों कैसे शब्द हैं समानार्थी शब्द तो दोनों को एक वाक्य में प्रयोग नहीं करते इसको हम कहते हैं सुपर फ्लॉस यानी कि मोर देन नीडेड बहुत ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है तो आप इसको यहां से हटा सकते हैं ही आस्क इफ ही सपोज हटा दीजिए इफ को वहां पर रहने दीजिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है इजी है ट्राई करो I know he is having a lot of books on how to improve English. मुझे पता है कि उसके पास बहुत सारी किताब है uh, कौन सी किताब की इंग्लिश को कैसे ठीक किया जाए Very good. Lost Nation, Chandan Malotra and Harish Pal, Chandan Kumar, Anand Yadav. Very well done. Keep it up. You guys are doing very well. बन गया वेरी गुड क्या बात है तो क्या आंसर आएगा ध्यान रखना जब इस टाइप से का जब प्रयोग होता है जनरली हैविंग का प्रयोग हम खाने के सेंस में करते हैं जबकि ये कह रहा है पास तो जब आपको पास का अर्थ लेना हो तो आप यूज करें हैज और हैव ठीक है तो यहां से इज हैविंग हट जाएगा क्या आ जाएगा हैज आई नो ही एज अ लॉट ऑफ बुक्स मुझे पता है कि उसके पास बहुत सारी किताब है ना कि हम ये कहें कि मुझे पता है कि बहुत सारी किताब खा रहा है कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए ऐसे थोड़ी बोलेंगे है ना फाइन आज क्लास नहीं हुआ था कौन सा क्लास डियर रवि रंजन दिस मशीन लुक्स गुड बट इट वट ज वेरी बैडली डिजाइंड आर ड वर्क आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है प्राइट मिल गया सभी को डबल हेल्पिंग वो चलो चेक करते हैं क्वेश्चन सो द मशीन लुक्स गुड मशीन कैसी लग रही है अच्छी लग रही है बट इज वेरी बैडली डिजाइन लेकिन बड़ी बेकार डिजाइन की गई है आर डजेंट वर्क यह क्या नहीं करेगी काम नहीं करेगी बट इज वेरी बैडली डिजाइन आर डजेंट वर्क गुड है ना इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मुझे भी लग रहा है मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ठीक है आर नहीं है एंड है वही हम सोचा आर कहाँ से आ गया? ठीक है आपके हिसाब से सही है यहाँ पे एंड आना कि दो बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी बट एर दूसरे पार्ट में है वो आप देख लीजिए कि कौन से पार्ट में है अब चेक कर लो इसको एक बार न? अब देखो यहां से मशीन कैसी दिखती है अच्छी दिखती है यहां तक ठीक था एंड आ गया और यहां पर ये जो गुड दिया है इसके स्थान पे क्या आएगा वेल well. ठीक है क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं एडवर्ब का जबकि गुड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव है तो दो दो वो हो गई एरर किस पार्ट में हो गया डी पार्ट में नेक्स्ट, रामू क्लोजली रिजेंबल्स टू फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट इन हैबिट्स। रामू लगभग अपने पिताजी के जैसा दिखता है ना केवल शारीरिक ढांचे में बल्कि उन आदतों के हिसाब से भी वो अपने पापा पर ही गया है ये कहना चाह रहा है सेंटेंस आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है ये भी कल कराया था रिजेम्बल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना और इसके साथ कोई भी प्रिपोजिशन का यूज नहीं करते इसके साथ कोई भी प्रिपोजिशन का यूज नहीं करते तो यहां जो टू का प्रयोग किया है वो क्या है इनकरेक्ट राइट आंसर क्या बन जाएगा बी चलो एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। इस सेंटेंस में बताना है क्या ग्रामेटिकल एरर है और जिनको इन एरर्स को करने में दिक्कत आ रही है मेरा सजेशन है नौ बजे वाली क्लास अटेंड करो सुबह डेली उसमें कल भी प्रोनाउन का रिवीजन होगा चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है प्रोनाउन अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा हर एग्जाम में यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में हेल्प करता है इंग्लिश में सबसे ज्यादा हेल्प करता है चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो चाहे क्वेश्चन टैग हो चाहे वो एरर्स हो, हो बहुत ज्यादा आता है ठीक है चलिए एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हियर स्टाफ में प्रत्येक यहां पर उपस्थित है हैज गिवन अ डेज पे और इनको एक दिन का वेतन दिया गया है एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड तो यहां जो देयर का प्रयोग किया है वो इनकरेक्ट है ये बात ध्यान रखना जब-जब सेंटेंस जब का सब्जेक्ट एवरीवन बनता है इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा चाहे वो केस कैसा के भी हो यहां पॉजिटिव केस दिया है तो सिंगुलर फॉर्म लेंगे और मस्कुलिन जेंडर लेंगे तो देयर के स्थान पे क्या आ जाएगा हिज आएगा हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है तो डी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है पैसेज कब पढ़ाएंगे जब आप कह दो जल्दी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक में करा देंगे अभी तो हम बस आपका टॉपिक वाइज ही लेके चल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में एरर दिया था तो एरर कराएंगे फिर किसी दिन आपको इम्प्रूवमेंट कराएंगे आप पैराजल भी करा देंगे उसमें था कॉम्प्रीहेंशन है तो वो भी करा देंगे सो डोंट वरी बस आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें डेली आके इफ आई वुड हैली आई वुड है एग्जामिनेशन ये वाला जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न अभी 10 मिनट पहले इसी क्वेश्चन में कराया था कुछ टाइम पहले ही अब अगर आपको वो वाला पैटर्न याद होगा तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द एरर इन विच पार्ट है ना तो मैंने अभी सिखाया था कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और यहाँ पर इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरे क्लॉज में आपको क्या मिलता है बुड की थर्ड फॉर्म अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ इफ के साथ बुडहैब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया है और यहाँ पर बुढ़ेब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो सही था ये वाला स्ट्रक्चर गलत कर दिया दूसरा ये भी याद रख सकते हैं कि इफ के साथ कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करते तो हैव यहाँ से पूरा हटेगा इसके स्थान पे क्या जाएगा हैड

If के साथ किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करते किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करते इसके इस वाले क्लॉज में दूसरे क्लॉज में आ जाएगा लेकिन जहां इफ लिखा होगा वहां पर मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जाता क्लियर नेक्स्ट वन द स्मगलर फॉर द टैमेशन एंड फेल इन टू एंड पुलिस ट्रैप चंदन क्या बात है बहुत बढ़िया जी लवली मैंने भी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था कुछ जगहों पर वर्ब के साथ प्रिपोजिशन फिक्स होती है जैसे प्रिवेंट के साथ फिक्स क्या है फ्रॉम उसी तरीके से जो वर्ड है के साथ प्रिपजिशन क्या आती है टू इसके अलावा प्रिवेंट के अलावा डीबार के साथ भी प्रिपोजिशन क्या आती है फ्रॉम यील्ड के अलावा अप्लाई के साथ भी प्रपोजिशन क्या आती है टू है ना इसी तरीके से एप्लीकेबल के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है टू इसी तरीके से डिफर के साथ भी प्रिपोजिशन क्या आती है फ्रॉम तो कुछ वर्ब आपको याद रखनी पड़ेंगी जिनके साथ फिक्स प्रिपोजिशन आती है प्रिवेंट आए तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मैडम ने बताया कि प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है डिबार के साथ फ्रॉम आता है है ना डिफर के साथ फ्रॉम आता है एप्लीकेबल के साथ टू आता है अप्लाई के साथ भी टू आता है यील्ड के साथ टू आता है तो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा क्लियर तो बी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर ये क्वेश्चन अच्छा है ठीक है जी रवि रंजन वेरी गुड एवरी वन हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इफ बिगेन टू रेन इफ नहीं है इट हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस इट बिगेन टू रेन जैसे ही मैंने घर छोड़ा वैसे ही बारिश शुरू हो गई वेरी well lovely. लवली दिल जीत लिया always फॉलोड by वैन बहुत बढ़िया हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है वैन आता है इसके अलावा अगर आपको स्कैर्सली मिल जाए तो भी यही आएगा इसके अलावा अगर आपको बेयरली मिल जाए तो भी क्या फॉलो करेगा डब्ल्यू एच ई एन वैन तो देन तो यहाँ आएगा ही नहीं इसके स्थान पे क्या आएगा वैन चलो बहुत बढ़िया well done. शानदार नेक्स्ट, आर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिबोटेड पोलिटिकल लीडर ये क्वेश्चन ईजी है दिखने में लंबा है लेकिन पैटर्न काफी इजी है चलो बताइए फटाफट से क्या बनना चाहिए आंसर मिल गया आंसर hmm, आ रहा है बी ओके चेक करिए आर कंट्री हमारे देश को जरूरत है अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिबोटिकल पॉलिटिकल लीडर तो यहां पे एक बात देखो कि आर कंट्री ये क्या है ये तो सिंगुलर है ना हमारा देश देश कैसा है सिंगुलर तो नीड के स्थान पे क्या होना चाहिए नीड्स होना चाहिए हर कंट्री नीड्स अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स होना चाहिए इट शुड बी लीडर्स ठीक है तो ए पार्ट में क्या था ग्रामेटिकल एरर एक और चीज ध्यान से ध्यान रखना अ नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल आता है आई डोंट नो कि टाइप एरर है या बुक में ही ऐसा दिया हुआ था तो यहां पे नाउन ये प्लेरल आना चाहिए बस ग्रामेटिकल एरर ये भी है और वो भी है चलो फटाफट से करें नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है मिल गया आंसर वेरी गुड स्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ क्या लगता है स्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है के बजाय या के स्थान पर जबकि इंस्टीड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ अजीब नहीं हो गया इसका सेंस बिल्कुल अजीब हो गया इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए इन स्पाइट ऑफ इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब क्या होता है के बावजूद के बावजूद यानी कि व्यस्त और कठिन जीवन होने के बावजूद ही स्टिल रिटेन फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस व्यस्त और कठिन जीवन होने के बावजूद उसने अभी भी बनाए रखिए ताजगी और अपना हस्त पुष्ट हस्त पुष्टता रोबस्टनेस का मतलब होता है हस्तपुष्टता फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी और रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना है ना तो यहाँ इंस्टीड ऑफ के प्लेस पे क्या आना चाहिए इंस्पाइड ऑफ बिकॉज इंस्टीड ऑफ लगा के एक सही अर्थ नहीं मिल रहा है हमको हमें क्या प्रयोग करना चाहिए इंस्पाइड ऑफ सो ए पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है लास्ट द टीचर सेट टू दॉयज दट वन ऑट टू वर्क हार्ड टू वर्न अर्न वन लिविंग ये ईजी है और एग्जाम में आता भी खूब है बन गया द टीचर सैड टू द बॉयज टीचर ने लड़कों से कहा था दैट कि वन और टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग अपने जीवन को चलाने के लिए हरेक को कठिन परिश्रम करना चाहिए और टू का अर्थ है करना चाहिए वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम टू अर्न वन लिविंग ध्यान रखना वन अपने आप में एक प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है लेकिन जब बात आती है पॉजिटिव केस की तो यहाँ पर लग जाता है वन के बाद एस तो यहाँ जो ये जीरन दिया है इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा एस क्यों रूल ये कहता है कि जब जब आपको जीरनड मिलेगा इसके पहले आपको यूज़ करना है पॉजिटिव केस अगर आपको जीरेंड से पहले कभी नाउन या प्रोनाउन मिल जाए तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको पॉजिटिव केस का यूज करना है तो जीरेंड कैसे है जीरेंड की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई ये जीरेंड है और यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा वंस आ जाएगा है ना तो डी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे ऐप अंडर ट्वेंटी फोर सेवन ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश बाय दीप्ति राजपूत के नेम से है ना बिहार सेक्शन को आ, सेलेक्ट करके वहाँ पर आप हमें चूज कर सकते हैं ठीक है सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी बाय बाय टेक केयर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कोई भी बैच लेना है झारखंड पर तो उसके लिए सिंपली आप ऐप को डाउनलोड करके रखें उसके बाद यहां से हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे ऑल कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और जैसे कि आप झारखंड से हैं तो स्टेट एग्जाम पे जाएं और अपना स्टेट चुनें झारखंड जैसे ही झारखंड आ जाएगा यहां पर ई एम आर एस ये लिखा हुआ है ई एम आर एस के ये बैच हैं हमारे पास फॉर एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल हॉस्टल वार्डन का बैच गुरुकुल बैच वार्डन बैच एंड अकाउंटेंट बैच ये तीन बैच यहाँ अवेलेबल हैं कोई भी बैच लेना है उस पर क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद आपको बाई पाँच सौ पंद्रह कोड लगाना है यहाँ पर वैलिडिटी दी होती है कितना वैलिडिटी है बैच की वो सारी चीज़ें आप देख लें चेक कर लें फिर उसके बाद यहाँ बाई पाँच सौ पंद्रह कूपन कोड जरूर अप्लाई करें बाई पाँच सौ पंद्रह इस पर आपको सेवेंटी सेवन परसेंट का डिस्काउंट मिल गया हॉस्टन वार्डन का बैच मात्र दो सौ में अगर हम यहाँ पे कॉइंस भी मिलते हैं ऐप में कॉइन्स का प्रयोग करेंगे तो 216 का भी नहीं पड़ेगा 190 अराउंड आपको लगभग ये पड़ेगा सो बहुत ज़्यादा सस्ता है यू कैन ज्वाइन दिस बैच ठीक है कोड ध्यान रखना बाई 515 थैंक यू एवरीवन टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जुड़े रहिए चैनल के साथ धन्यवाद शुक्रिया बाय